बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पर 3 दलित बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी की महिलाएं कभी रेप का शिकार होती हैं तो कभी एसिड अटैक का, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वैसी की वैसी रहती है। हाथरस मामला अभी सुलझा ही नहीं कि अब उत्तर प्रदेश से अब एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहां गोंडा जिले के परसपुर में एसिड अटैक का बड़ा मामला सामने आया है। सोते समय 3 बहनों पर तेजाब डाल दिया गया। यूपी में भले ही शासन प्रशासन महिलाओं पर होने वाले अपराध कम होने का दावा करे, पर यहां पर हर रोज ऐसी जघन्य वारदातें सामने आ रही हैं। जहां पर सोमवार रात 3 बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया, हमले में झुलसी बहनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना बीती रात की है। तीनों बहनें नाबालिग हैं और उनका इलाज स्थानीय जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों जब घर में सोई हुई थी तब उनके ऊपर एसिड फेंक दिया गया। दोनों बहनें मामूली रूप से घायल हैं, जबकि एक बहन के चेहरे पर एसिड पड़ा है। हालांकि एसिड फेंकने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इलाके के लोगों की माने तो बड़ी बहन हाई स्कूल पास है, उसकी शादी भी कहीं तय हो चुकी है। जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि एसिड अटैक में बड़ी बेटी की 35% झुलस चुकी है, दूसरी बेटी 25 और तीसरी बेटी 5%। इस बात की जांच की जा रही है कि कौन से केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। पीड़ित पिता का कहना है कि घटना के बाद उन्हें लगा कि शायद सिलेंडर की आग में बेटियां झुलस गई, लेकिन बाद में पता चला कि किसी अज्ञात शख्स ने तेजाब से हमला किया है। पिता का कहना है कि जब तेजाब पड़ा तो बेटी चिल्लाई, आवाज सुनकर मैं दरवाजा खोला, बेटी को गोद में लिया और पूछा कि क्या सिलेंडर से आग लग गई है, तो उसने कहा नहीं, घटना के वक्त मैं सो रही थी। एक बेटी 17 साल की है, एक 12 की और एक 8 साल की। पीड़ित पिता का कहना है कि उन्हें किसी पर शक नहीं है, आज तक गांव में किसी से रंजिश नहीं रही। फोरेंसिक टीम के साथ बर्न वार्ड में SP शैलेश कुमार पांडे ने पहुंचकर पीड़ित लड़कियों की हालचाल जाना। जांच के लिए गांव में भी एक और फोरेंसिक टीम भेजी गई है। पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बर्न वार्ड को बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। SP शैलेश पांडे ने कहा कि मामले की जांच के लिए पुलिस और फोरेंसिक टीम गठित कर दी गई है। पीड़ित पिता से तहरीर ली जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल अभी घटना के पीछे की वजहों का नहीं पता चल सका है। घटना की सूचना पाते ही परसपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। SO परसपुर सुधीर सिंह का कहना है कि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। किसने डाला है एसिड, किसने फेंका, तेजाब किसने फेंका? कहां, किसके किसके ऊपर डाला है? हमारे ऊपर डाली, तीनों जन के ऊपर पड़ा। किसी से कोई विवाद है, किसी से कोई झगड़ा चल रहा था? अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे गांव के ही लोग हैं, कौन हो सकते हैं ये? सो रही 3 बच्चियों के ऊपर केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं, जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनको इनका यहाँ इलाज चल रहा है, तीनों की स्थिति ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तरफ से पूरी इलाज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक की बर्न इंजरी, जो सबसे बड़ी बच्ची है, उसकी बर्न इंजरी लगभग 30% के आसपास बताया जा रहा है, एक की 20% और एक की 5-7% के आसपास बताई जा रही है। इलाज चल रहा है, इनके परिजनों से बात हुई है, इनका अभी तक किसी पे शक नहीं है, इनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन किया जा सकता है। पुलिस टीम इसमें लगी है, मौके पे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सभी लोग वहाँ पे मौके पे छानबीन कर रहे हैं और जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर मुकदमा दर्ज हुआ? सर मुकदमा दर्ज हुआ? तीनों बच्चे नाबालिग, तीनों बच्चियाँ नाबालिग। सर मुकदमा दर्ज हुआ? अभी इन्होंने इनसे तहरीर ली जा रही है, क्योंकि अभी किसी पे बता नहीं रहे, तो हम लोगों ने कहा है कि अज्ञात में ही जो भी आपके पास जानकारी हो उतनी जानकारी आप हमें दे दें, हम इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे। परंतु हमारी पुलिस कार्रवाई ऑलरेडी, जैसे ही घटना की सूचना मिली तब से इसकी पड़ताल हमारी चालू है और जल्दी हम घटना का अनावरण करेंगे और दोषियों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त। सर प्राइमा फेसी क्या मान रहे हैं? प्राइमा फेसी क्या मान रहे हैं? एक ही परिवार के, जैसा मैंने बताया, एक ही परिवार, एक ही घर में ये रह रही थी, एक ही कमरे में थी। सर प्राइमा फेसी क्या मान रहे हैं?
अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें जब तक चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। हाँ ये जरूर है कि कोई आसपास का करीबी है क्योंकि नीचे कर लीजिए कोई, क्योंकि छोटा कस्बा है आसपास का ही कोई मामला ऐसा प्रतीत होता है। जल्दी हम लोग इसको क्लियर करके दोषियों के विरुद्ध खड़ी करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.